स्वागत है आपका रियल इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग के ऐसे फैक्ट जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो देखिएगा इस वीडियो को अंत तक, इस वीडियो में आपको कमाल की जानकारी मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल और इस बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों सैमसंग कंपनी के बारे में आज कौन नहीं जानता, इसे अच्छे एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाने के लिए जाना जाता है। शायद आपके हाथ में भी सैमसंग का स्मार्टफोन हो। दोस्तों अगर इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो आपको इस वीडियो में ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों पहले जो कंपनी खाने की चीजें और मछली बेचा करती थी और आज इस कंपनी की सफलता को आप खुद देख सकते हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों, ऐसी कंपनी जो पहले मछली और खाने का सामान बेचा करती थी आज मोबाइल बेच रही है। और दोस्तों सैमसंग का इंग्लिश में अर्थ है थ्री स्टार और यह शब्द कोरिया भाषा से लिया गया है। दोस्तों इस कंपनी में आज 370,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे। दोस्तों सैमसंग ने अपनी कंपनी की शुरुआत साउथ कोरिया में 1938 में की। इस समय यह कंपनी मछली बेचा करती थी। और दोस्तों सैमसंग कंपनी ने अब तक सबसे अधिक लगभग 80 अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसी कंपनी ने भी इतने बिजनेस स्टार्ट नहीं किए। दोस्तों कहने का मतलब इन्होंने हर जगह टांग घसीट। जैसे कि आप जानते ही होंगे मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जो पहले सैमसंग भी बनाती थी, लेकिन अब वो सैमसंग नहीं बनाती। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की शुरुआत इस कंपनी ने 1960 में की थी। दोस्तों आज सैमसंग बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है जो चिप्स और रैम जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाती है। दोस्तों एप्पल एक बहुत बड़ी नामी कंपनी है और उसके आईफोन 7 की चिप भी सैमसंग में ही बनाई जाती है। दोस्तों 1986 में सैमसंग कंपनी ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। और दोस्तों आज एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक सैमसंग भी है। और दोस्तों 70% मोबाइल्स में सैमसंग के द्वारा बनाई गई रैम यूज़ की जाती है। और शायद दोस्तों आप चाहे सैमसंग का फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हो पर आपके मोबाइल में शायद सैमसंग की ही रैम हो। और दोस्तों यह तो आप जान गए कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाने में बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों सैमसंग के कितने प्रोडक्ट हैं और उनमें से 90% प्रोडक्ट कंपनी खुद तैयार करती है, लेकिन और कंपनियां जैसे कि MI हो गई और भी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार करने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट के पार्ट अलग अलग कंपनियों से तैयार करवाती हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सबसे पॉपुलर ब्रांड जिसे सोनी माना जाता है उस कंपनी को ओवरटेक करके सैमसंग ने दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। दोस्तों एप्पल आईपॉड रेटिना, इसकी जो डिस्प्ले है वो सैमसंग के द्वारा ही बनाई गई है। दोस्तों बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसे भी सैमसंग ने ही बनाया। यानी सैमसंग ने मच्छी, फूड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पता नहीं क्या क्या उसके साथ बिल्डिंगें भी बनाई। क्या बात है। दोस्तों ये तो बात हो गई सैमसंग की कमाई की, अब बात कर ली जाए चैरिटी की। दोस्तों सैमसंग की एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो हॉस्पिटल चलाती है और उसके द्वारा $100 मिलियन हर साल दान किए जाते हैं। मुझे इस कंपनी के हैरान करने वाली बात ये लगी कि इसने शुरुआत कहाँ से की मच्छी बेचने से और बना क्या रही है। दोस्तों आप भी कई बातों से हैरान हुए होंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी फैक्ट्स और हैकिंग से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और दोस्तों रखिएगा अपना ख्याल और मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।